Hello friends, my name is Lokesh. Welcome to the Let's Write Together YouTube channel. इस वीडियो में मैं आपको पजल बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. हमारी वेबसाइट है www.letsstudytogether.co. इसका डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो के नीचे भी दिया है, आप वहाँ जाके उसे विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड स्टडी मटीरियल, क्विज और बहुत सारे DI के क्वेश्चंस एक्सेट्रा सभी मिल जाएंगे. आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स राइट टुगेदर के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज है, ग्रुप है. तो अब मैं आपको इस वीडियो में टोटल स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर आर फाइव बॉयज ए बी सी डी एंड ई हु आर मैरिड टू फाइव गर्ल्स पी क्यू आर एस एंड टी नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर. पांच लड़के ए बी सी डी ई और पांच लड़कियां पी क्यू आर एस एंड टी से शादी करते हैं. देर आर टू पीपल वन बॉय एंड वन गर्ल हु आर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइव सिटीज मुंबई दिल्ली चेन्नई जयपुर पुणे. दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, जो कि नीचे दी गई पांच सिटियों में से कहीं ना कहीं रहते हैं. आगे हमें दिया है देर इज नो सच कपल वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ बिलोंग टू द सेम सिटी. यानी कि कोई भी कपल ऐसा नहीं है जहां की हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम सिटी में रहते हो. ओके, आगे दिया है हमें ए एंड आर मैरिड टू ईच अदर. ए ने और आर ने एक दूसरे से शादी की है. अब हमें पता है ए बी सी डी ई तो बॉयज है और पी क्यू आर एस टी गर्ल है, यानी कि यहाँ पे ए बॉय हो जाएगा और आर गर्ल हो जाएगी. तो पहले मैं आपको यहाँ नॉमिनेट कर लेता हूं, यहां मैं बॉयज लिख देता हूं और यहां मैं गर्ल्स लिख देता हूं. ठीक है, अब यहां पे बोला है कि ए ने शादी की है आर से. ओके, ए ने शादी की है आर से. आगे लिखा है ए इज फ्रॉम दिल्ली, तो ए जो है वो हो जाएगा हमारा दिल्ली से. सी एंड क्यू आर फ्रॉम जयपुर. यहां पे बोला गया है सी और क्यू जयपुर से हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया ये शादीशुदा है या मैरिड है. तो सी बॉय है तो सी यहां लिख लेंगे, और सी कहां से है, जयपुर से. ठीक है, क्यू यहां नहीं लिख सकते क्योंकि मैरिड की इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, इसलिए हम साइड में लिख लेते हैं क्यू जयपुर से है. ठीक है, आगे दिया गया है द गर्ल फ्रॉम चेन्नई इज मैरिड टू द बॉय फ्रॉम मुंबई. चेन्नई की लड़की ने मुंबई के लड़के से शादी की है, यानी कि मुंबई का लड़का और चेन्नई की लड़की, यहां पता नहीं है कौन है. ठीक है, आगे दिया गया है द बॉय फ्रॉम पुणे इज मैरिड टू द गर्ल फ्रॉम दिल्ली. पुणे का लड़का दिल्ली की लड़की से शादी करता है, तो यहां पे हम लिख देंगे पुणे का लड़का और दिल्ली की लड़की. आगे दिया गया है हमें पी इज फ्रॉम पुणे. अब पी इज फ्रॉम पुणे सुन के लोगों ने यहां पी लिख दिया होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पी यहां पे लड़की है, तो आपको साइड में लिख लेना है. यहां पे बॉय की बात की जा रही है और यहां पे गर्ल की, तो पी जो है वो पुणे है और लड़की है वो. आगे दिया गया है डी इज नॉट मैरिड टू द गर्ल फ्रॉम दिल्ली और जयपुर. डी ने जिस लड़की से शादी की है वो ना तो दिल्ली से है और ना ही जयपुर से है, यानी कि मैं बोलूं डी यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां पहले से प्लेस है. अगर डी यहां पे बैठ सकता है, बैठ भी सकता है. यहां पे डी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर यहां डी बैठेगा तो उसे दिल्ली की लड़की से शादी करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है, कंडीशन में दिया नहीं गया है. अब आपको पता है फाइव सिटीज थी, यहां दिल्ली हो गई, जयपुर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, चेन्नई रह गई. तो मैं यहां चेन्नई लिख लेता हूं. अब मैं बात करूं, चेन्नई मैंने यहां लिख लिया है. ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज स्टार्टिंग में दी थी कि क्यू जयपुर से हैं, तो क्यू यहां तो बैठ नहीं सकता, मैंने आपको बताया था. और क्यू यहां भी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पे पहले से प्लेसेस बता रखे हैं, यहां चेन्नई से हैं, ये दिल्ली से हैं. तो और यहां पे क्यू वैसे ही नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पे पहले से आर बैठा है, तो क्यू बैठेगा यहां पे. और क्यू यहां बैठेगा तो क्यू जयपुर से हैं. ठीक है, क्यू जयपुर से आ गया, अब चेन्नई से ये है. तो आपको पता है डी जिससे शादी करेगा वो ना तो दिल्ली से होगी ना जयपुर से, तो दिल्ली से है ये तो यहाँ नहीं बैठ सकता, जयपुर से है ये
तो यहां पर भी डी नहीं बैठ सकता, तो डी बैठेगा यहां मुंबई पे, डी मुंबई पे बैठ चुका है। ठीक है, आगे दिया है हमें क्यू इज नॉट मैरिड टू बी, क्यू ने बी से शादी नहीं की है, क्यू ने बी से शादी नहीं की है तो बी यहां नहीं आने वाला है, बी आएगा यहां पे। ठीक है, अब कौन बचा, अब बचा ई, ई आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ई यहां पे आ गया। आगे दे रखा है बी ने मैरिड नहीं की है एस से, यानी कि बी ने एस से मैरिड नहीं किया तो एस यहां तो नहीं आ सकता। ठीक है, आगे दे रखा है डी इज नॉट फ्रॉम पुणे, तो ये तो हमें ही पता है डी पुणे से नहीं है, मुंबई से है। अब आपको एक क्वेश्चन में एक चीज और दी गई थी पी पुणे से है, तो वो चीज अब काम में आने वाली है। पी पुणे से है, यहाँ पे लोकेशन हमें तीनों पता है, हमें लोकेशन यहाँ नहीं पता है। यहाँ पे अगर हम पुणे रख दें तो यहाँ तो आर पहले से बैठा है तो वो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हम पुणे लिखेंगे और यहाँ पी लिखेंगे, पी पुणे से हो गया। दैट मीन्स एक सिटी बची मुंबई, तो यानी कि आर जो है वो मुंबई से है, आर मुंबई से हो गया, पी पुणे से हो गया, एस यहाँ नहीं बैठेगा तो एस यहाँ बैठेगा एंड टी यहाँ बैठेगा। ये आपकी पजल का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड पजल देखते हैं। सेवन पीपल शेफाली रचित प्रणव मनन दीपिका भारती एंड आकांक्षी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अमंग फाइनेंस मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द थ्री डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारती एयरटेल गोदरेज एंड टाटा मोटर्स नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सात लोग हैं जिनके नाम हमें दे रखे हैं और वो तीन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिपार्टमेंट है फाइनेंस का है, मार्केटिंग का है और एचआर का है। ऑर्गेनाइजेशन भी तीन है, एयरटेल गोदरेज और टाटा मोटर्स, लेकिन इसी ऑर्डर में ऐसा जरूरी नहीं है। आगे दिया है एटलीस्ट टू पीपल आर वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा ईच डिपार्टमेंट की बात हो रही है, यानी कि फाइनेंस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स में कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए। एंड एटलीस्ट टू पीपल आर वर्किंग इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन में भी दो लोग होने चाहिए कम से कम। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया यहाँ पे एयरटेल टाटा और गोदरेज। नो टू पीपल फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट वर्क इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोई भी दो लोग, यानी कि जैसे मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है और वो एयरटेल का है, तो दो लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट के काम नहीं कर सकते एयरटेल में, हर डिपार्टमेंट में एक ही बंदा काम करेगा एक डिपार्टमेंट के अंदर, दो लोग नहीं काम कर सकते सेम डिपार्टमेंट में, अलग अलग हो सकता है। नो टू पीपल फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट वर्क इन सेम ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर इट इज नोन दैट, आगे हमें बताया गया है क्या है वो ये देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो चार्ट बनाना पड़ेगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। तो हम चार्ट कुछ इस तरीके से बनाते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है एयरटेल, दूसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गोदरेज और तीसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा। ठीक है, अब तीनों के तीन डिपार्टमेंट है, तो अगर मैं बात करूं पहला डिपार्टमेंट इसका फाइनेंस का है, दूसरा डिपार्टमेंट इसका मार्केटिंग का है और तीसरा डिपार्टमेंट इसका एचआर का है। सेम ऐसे ही इसका होगा, पहला डिपार्टमेंट फाइनेंस, दूसरा मार्केटिंग और तीसरा डिपार्टमेंट होगा एचआर। यहां पर भी पहला डिपार्टमेंट इसका फाइनेंस का है, दूसरा डिपार्टमेंट इसका मार्केटिंग का है और तीसरा डिपार्टमेंट इसका एचआर का है। मैंने ऐसे तीन डिपार्टमेंट, सभी में तीन तीन डिपार्टमेंट है और ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस है टाटा गोदरेज और एयरटेल। अब आगे क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रणव इज इन ह्यूमन रिसोर्स एंड अनदर पर्सन ऑफ द सेम डिपार्टमेंट इज वर्किंग इन टाटा, यानी कि प्रणव जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में, ये हमें पता है, लेकिन कौन सी कंपनी में है ये हमें दे नहीं रखा। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि प्रणव जो है वो एचआर डिपार्टमेंट में, ये कंफर्म है, लेकिन कौन सी कंपनी में ये हमें नहीं बात है। लेकिन इसके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है अनदर पर्सन, इसके साथ नहीं सॉरी, इसमें लिखा है अनदर पर्सन जो है
वो इसी डिपार्टमेंट में काम करता है यानी कि एचआर में, और वो कौन सी कंपनी के एचआर में काम कर रहा है, वो टाटा मोटर्स के एचआर में काम करना है। यानी कि यहाँ पे एक जना बैठेगा एचआर में काम कर रहा है टाटा मोटर्स के, ठीक है ये कंफर्म हो गया पहले वाले पॉइंट से। आगे दे रखा है रचित इज वर्किंग इन भारती एयरटेल, रचित जो है एयरटेल में काम कर रहा है, एंड द अदर पर्सन वर्किंग इन भारती एयरटेल विथ हिम इज इन एचआर हु इज नॉट प्रणव। इसमें ऐसा कहा गया है कि रचित जो है एयरटेल में काम कर रहा है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा बताया गया है कि रचित के साथ जो काम कर रहा है एक और व्यक्ति जो कि एयरटेल में है, और वो ह्यूमन रिसोर्स में काम करता है एयरटेल के ह्यूमन रिसोर्स में, रचित के साथ एक और जना काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये प्रणव नहीं है, ये प्रणव नहीं है, ये प्रणव नहीं है, और ये भी प्रणव नहीं है। आपको पता है ये प्रणव क्यों नहीं है, क्योंकि पहले वाले लाइन में दे रखा है कि प्रणव ह्यूमन रिसोर्स में है, उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि उसी डिपार्टमेंट में है लेकिन वो टाटा में काम करता है, दूसरा व्यक्ति है, यानी कि ये प्रणव नहीं है और ये भी प्रणव नहीं है। ओके, तो आपको एक चीज तो कन्फर्म हो गई होगी, ये प्रणव नहीं है, ये प्रणव नहीं है। दैट मीन्स जो गोदरेज वाला डिपार्टमेंट होगा इसमें जो काम करेगा एचआर डिपार्टमेंट में वो प्रणव होगा, क्योंकि प्रणव काम कर रहा है एचआर में, ये प्रणव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। आगे दिया गया है कि भारती जो है भारती इज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड इज वर्किंग इन भारती एयरटेल, भारती जो है एयरटेल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है, यानी कि भारती यहां काम करती है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। ओके, ये हो गया। आगे लिख रखा है दीपिका इज ऑल्सो इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दीपिका, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन हमें पता नहीं कौन से हैं, यहाँ पे हो नहीं सकती क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट में दो लोग काम नहीं कर सकते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आप ये ध्यान रखिए, इससे पहले एक पॉइंट दिया गया था सेकेंड नंबर, उसमें लिखा था कि रचित भी एयरटेल में काम कर रहा है लेकिन हमें पता नहीं था कहाँ काम कर रहा है, तो रचित यहाँ काम कर रहा है, ये कन्फर्म हो चुका है। अब कोई बोलेगा रचित एचआर में काम क्यों नहीं कर रहा, पूरा पॉइंट पढ़िएगा, रचित के साथ जो काम कर रहा है वो एचआर में है, रचित के साथ जो एयरटेल में काम कर रहा है वो एचआर में है, तो रचित यहां बैठेगा। ठीक है, अब हमें आगे दिया गया है शेफाली और मनन जो है वो सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन वो गोदरेज नहीं हो सकती, तो गोदरेज में नहीं काम कर रहे तो शेफाली और मनन यहां तो काम कर ही नहीं सकते क्योंकि यहां प्लेस फुल है, यानी कि टाटा में काम करेंगे शेफाली और मनन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखा है रचित और मनन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, रचित और मनन सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और यहाँ पे दे रखा था शेफाली और मनन काम तो इस टाटा में ही करेंगे लेकिन मनन और रचित जो है सेम डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, तो रचित फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो मनन भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मनन फाइनेंस में आ गया। अब आपको दे रखा है शेफाली और आकांक्षी आर ऑल्सो इन द सेम डिपार्टमेंट, शेफाली और आकांक्षी भी सेम डिपार्टमेंट में, तो आपको यहाँ पता है कि यहाँ कौन बैठेगा ये पता नहीं है, तो आपको ये तो पता है मनन और शेफाली साथ काम कर रहे हैं तो हम बैठा देते हैं शेफाली को यहाँ पे, और बोल रहा है आकांक्षी, तो अगर सेम डिपार्टमेंट में बात कर रहा है ये शेफाली और आकांक्षी सेम डिपार्टमेंट में है, तो शेफाली एचआर डिपार्टमेंट में, तो एक प्लेस हमारे पास पहले से खाली है एचआर का, यहाँ पे हम आकांक्षी को बैठा देते हैं, यहाँ आकांक्षी आ गई, तो यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छह प्लेसेस पूरे फुल हो चुके हैं, यानी कि सात लोग में से छह बैठ चुके हैं, एक और बाकी है वो है दीपिका, दीपिका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन आपको पता है आपने पढ़ा होगा कि कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग तो होने ही चाहिए, यहाँ पे प्रणव एचआर में है और कोई सा अभी कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, तो यानी कि दीपिका यही काम करने वाली है, दीपिका मार्केटिंग में काम करने वाली है, और यहाँ पे ये भी तो लिखा था कि दीपिका भी भारती जिस डिपार्टमेंट में काम करती है दीपिका भी उसी में काम करती है, तो भारती मार्केटिंग में कर रही है, दीपिका भी मार्केटिंग में कर रही है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा रहा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बजा दीजिए प्रेस बेल आइकन को, और
आगे आने वाले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।